अस्सलामुअलैकुम तौहीद के बाद चैनल के साथ खुश आमदीद कहता हूँ दोस्तों। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल तौहीद इकबाल पर। नए और पुराने दोस्तों को वेलकम करता हूँ। नए आने वाले दोस्तों से फिर गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि मेरी आने वाली इंफॉर्मेशनल मेडिसिन और मेडिकल के हवाले से वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। पुराने दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और पूरा देखा करें ताकि आपको फ़ायदा हासिल हो सके। मेडिसिन और मेडिकल के हवाले से रिव्यू करता हूं। आज रिव्यू करूंगा बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनी की टैबलेट फास्टन टैबलेट के हवाले से। बहुत अच्छी गोली है और ये बहुत ही ख़ास गोली है, औरतों के लिए मखसूस बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके बारे में रिव्यू करूँगा। रिव्यू करने से पहले, इसके फ़ायदे बताने से पहले आपसे गुजारिश है वीडियो को पूरा देखें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। माएँ बहनें इसको पूरा देखें ताकि उनको फ़ायदा हासिल हो सके। सबसे पहले मैं बताता चलूँ, डोफास्टन टैबलेट जो है ये मल्टीनेशनल कंपनी एबट कंपनी की है और बहुत ही अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनियों की सरदार कंपनी है जी। इस टैबलेट, इस डब्बी में 20 टैबलेट होती हैं। आप देख सकते हैं डोफास्टन जो टैबलेट है 10 mg इसकी ताकत होती है, आप देख सकते हैं जी। और आप ये इस पूरी डिब्बी का रिव्यू अगर करें तो इसकी कीमत के हवाले से आप देख सकते हैं 828 रुपये इसकी कीमत है। ये देखें 828 रुपये 20 गोलियों की कीमत है। काफ़ी कॉस्टली टैबलेट है लेकिन बहुत अच्छी गोली है और इसमें फार्मूलेशन जो है डाइड्रोजेस्ट्रोन 10 mg इसमें शामिल किया गया है। डोफास्टन टैबलेट बहुत अच्छी गोली है जी, बिल्कुल एबट कंपनी की ये टैबलेट है। डाइड्रोजेस्ट्रोन इसमें फार्मूला है जो फार्मूलेशन के हिसाब से। तो अब इसके फ़ायदों की तरफ चलते चले, इसके यूज़ की तरफ चले, जो मेन हमारा रिव्यू करने का मकसद होता है कि इसके यूज़ क्या हैं जी। प्रेगनेंसी की, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं होती हैं, प्रेगनेंसी के दरमियान जो हार्मोन्स होते हैं उनकी कमी की जो वजह होती है, वो कमी होती है, उनको पूरा करने के लिए डॉक्टर रिकमेंड करती हैं लेडी डॉक्टर्स, जो प्रेगनेंसी के दौरान औरतें जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं उनकी प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स की जो कमी हो जाती है उनको ये पूरा करती है और उनको ये बैलेंस करती है ताकि प्रेगनेंसी जो है वो सेव हो सके, वो परेशानी का बायस ना बन सके। तो ये उस प्रेगनेंसी को सेव करने के लिए उसके हार्मोन्स की कमी को बैलेंस करती है, पूरा करती है जी। बांझपन, औरतों में जो बांझपन की शिकार औरतें हैं जिनका ये अगर वो हमल होता है तो कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद वो ज़ाया होने का डर होता है या हो जाता है, उनके लिए डोफास्टन टैबलेट इस्तेमाल करवाई जाती है। बहुत सारी लेडी डॉक्टर जो हैं रिकमेंड करती हैं जी, बहुत ज़्यादा लेडी डॉक्टर रिकमेंड करती हैं। और उसके अलावा आपको बताते चलें, पीरियड की जो पीरियड के दौरान, माहवारी के दौरान औरतों को दर्द होती है, दर्द की वो उसमें पीरियड में जो ब्लड है वो कम आए या ज़्यादा आए, उसकी वजह से पीरियड में जो दर्द होती है उसको रेगुलर करने के लिए, यानी कि उसको दर्द को कम करने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है डोफास्टन गोली। ये टैबलेट लेडी डॉक्टर रिकमेंड करती हैं। जिन औरतों को पीरियड रेगुलर नहीं आता, कुछ वक्फ़ों के मतलब को पीरियड की रेगुलरिटी ख़राब हो गई है, 5 दिन बाद दोबारा आ गया, 10 दिन बाद दोबारा हो गया शुरू, भाई 15 दिन बाद हो गया, 20 दिन बाद हो गया, यानी कि एक रेगुलर मंथली जो 25 दिन बाद या मंथली महीने बाद आता है, एक पीरियड की रेगुलर तरतीब जो है वो ख़राब हो जाए तो वो सही ना हो तो ये शादीशुदा औरतों के लिए बहुत ख़तरनाक होती है, प्रेगनेंसी होने नहीं देती। तो फिर उस पीरियड को रेगुलर करने के लिए भी लेडीज़ जो लेडी डॉक्टर हैं रिकमेंड करती हैं। ये बहुत ही अच्छी टैबलेट औरतों के लिए, औरतों की मखसूस बीमारियों का इलाज है डोफास्टन टैबलेट, और बहुत ज़्यादा लेडी डॉक्टर जो है रिकमेंड करती हैं, बहुत अच्छी कंपनी है जी। इस्तेमाल करने से पहले और बाद में दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लीजिए, इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। मैं सिर्फ इसका रिव्यू कर रहा था आप लोगों से, आप माओ बहनों से गुजारिश है कि लेडी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के अलावा आपने ये इस्तेमाल नहीं करनी, लेडी डॉक्टर रिकमेंड करे तो इस्तेमाल करनी है। मुझे एक बहन ने पूछा था कि ये डोफास्टन टैबलेट लेडी डॉक्टर ने मुझे लिखी है तो किस लिए मैं इसका रिव्यू पेश करूँ, तो मैंने आज इसका रिव्यू दिया है। बहुत ही अच्छी टैबलेट है औरतों की बीमारियों के लिए, आपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।